कलयुग है, कलयुग क्या और युगों में भी था ऐसा, क्योंकि अडंबर का कोई कह नहीं सकता कि कौन अडंबर करता है कौन सही है। अब सतगुरु की पहचान कैसे की जाए, हमारी तो आंख भी हुई। मान लो हम सतगुरु के पास आते हैं तो पहचान कैसे करें, यही प्रयोजन है। ये अपने आप कैसे होती है पहचान, गुरु कैसे उसमें चेतनता ही करते हैं, ये बहुत ही गहरी और समझने वाली बात है। इसको ध्यान से समझ, थोड़ा सा कथा का आरंभ करके उसके बाद वो बात करेंगे 15-20 मिनट, क्योंकि जो बात दिल को लग जाए उसको निकालना चाहिए, ताकि गुरु चरणों में बैठ के गुरु की स्तुति, उनको प्रणाम, उनको नमस्कार कर, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर, सत्संग कीर्तन भजन कर, उनके चरणों में रह के ही उस सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। आइए, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, और शंकर भगवान की जय। 12वां अध्याय पहले शुरू करते हैं थोड़ा सा। यमदूत कहने लगा कि जब कोई प्रसंग वश में एकादशी के व्रत को करता है, को कमी रह जाती है, लेकिन एकादशी के व्रत को करता है, वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्य नाम के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। यानी कि एकादशी का व्रत उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सर्व पापों का नाश करने वाली एकादशी का व्रत, एकादशियां भी 2 महीने में आती हैं, साल में 24-25 हो जाती हैं, अलग अलग नाम है, उत्तरदायिनी एकादशी, मोक्षिणी एकादशी, अलग अलग नाम है सबके। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ, एकादशी व्रत की 16वीं कला करने के से बराबर भी, 16वीं कला यानी कि एक छोटी सी कला के बराबर भी एकादशी। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नाश हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा, कोई भी एकादशी के बराबर है। पर शंकर भगवान की, इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। अब ये यत्न कौन बताएगा सच्चा सत्य, क्योंकि हम तो घर से अंधे ही चल के आए हैं ना। साथ साथ याद करते जाना, जहां जहां पर इंडिकेशन हो उस बात को ब्रेन में फिट करना। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री कुल की 10-10 पीढ़ियां उधार पाती। रात को जागरण, अब जाके ऐसे थोड़ी बैठे रहेंगे, जाके सत्संग कीर्तन व्रत रखा है, कुछ भजन करोगे, सत्संग करोगे, कीर्तन करोगे, कुछ ना कुछ तो फैलाव शिकार करोगे ना उस व्रत का। 10-10 कुले तक तर्जन, और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं केवल एकादशी के व्रत से। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूं।
अब असल बात ये है जो पहले जो भूमिका में होती है प्रयोजन की कि कैसे पता चले तुम्हारी ऊर्जा को, कैसे पता चले कि जिस ऊर्जा के पास मैं जा रहा हूं वो मुझे सूट भी बैठेगी कि नहीं, या मुझे नरक के द्वार में ले जाएगी। श्लोक क्या था, अंधा गुरु लालची चेला दोनों दा नरक चिठिल मुठिल। यानी कि शास्त्र बताते हैं अगर गुरु ऐसा मिल जाए तो उसका भी अफसोस करो, शास्त्र बताते हैं उसका भी अफसोस करो। पर एहसास कैसे होगा कि हमें अच्छा मिला या बुरा, बात तो यह समझ। मन कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह ना करे, पहले तो ये पॉइंट नोट करो। इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मन कर्म और वचन से अपने को शुद्ध स्वर्ग प्राप्ति करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो जूता छतरी अन्न जल कुछ ना कुछ दान करता है। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यात्रा को नहीं देखता। यम जो दान करता है, जैसे आज बहन जी भी लेके आई हैं लंगर, आज और भी कईयों ने बनाया है लंगर, सब चल रहा है लगातार, दान पुण्य चल रहा है माघ महीने में। कहता अगर जूता छाता छतरी किसी को भी गरीब से गरीब को जरूर उगो भी दे दे, धन या जल कुछ ना कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यात्रा को नहीं देखता तथा धीरज आयु और धनी होता है। बहुत कहने से क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। केवल अधर्म करने से ही, अब कोई भी हो, अगर ब्रह्मा जी ने गलती की है तो वो भी शास्त्र में आई है, उसको भी हर जाना भोगना पड़ा, लिखी है सब। इंद्र ने की तो उसको भी गलती शास्त्र में लिखी गई। सनातन की यही एक पवित्रता है कि जिसने भी गलती की उसको उसका हर जाना भोगना। वो शंकर भगवान की मनुष्य सदा धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग को प्राप्त हो सकता है। अगर कोई कह दे मैं घर बैठा हूं, धर्म का काम मैं नहीं करता, मेरा मन साफ है, हमारा तो ध्यान है पहले गुरु की तरफ, तो पहले तो उसे अपने मन से पूछना चाहिए कि कौन सा धर्म का कार्य है। जब तक धर्म के कार्य में हिस्सा ही नहीं तू ले रहा, कोई भजन नहीं कर रहा, कोई सत्संग नहीं कर रहा, तो मन कैसे साफ हो गया। ये मैल साफ करने वाले तो यही साबुन है, ये साबुन नहीं लगा रहा तो कैसे हो गया साफ। वो शंकर भगवान की इसके लिए बाल अवस्था से ही इसका अभ्यास करते रहे। क्या, मन को शुद्ध, ईश्वर की तरफ ध्यान लगाना है, बुरी संगत से बचना, अधर्म ना कर, धर्म करना अधर्म ना कर। अब बात रही सदगुरु की, सदगुरु को पहचान होती है कि ये औरा मेरी है, ये मेरा बाग है, उसे पहचान होती है। सतगुरु के पास चाहे हम अंधे भी हैं, वो एक निशानी देकर आपको अपने करीब लाता है। वो सतगुरुदेव महाराज की जो असली गुरु है, निशानी देकर, जितने लोगों ने शब्द लिया उन्होंने निशानी दी, और उसका प्रयोजन उसके चिरकाल तक चलता रहता है। उसके चाहे वो यहां रहे या ना रहे, उसके धर्म का डंका सदा बजता रहता है। वो है सतगुरु।
वहां एकदम सर नीचा करके अपना सर झुका लो, क्योंकि वो अपनी पॉजिटिविटी, अपनी पॉजिटिविटी को पहचानती है, वो अट्रैक्ट करके खींच लेती है। जो नेगेटिविटी होती है उसको साइड में कर देती है। नकारात्मक शक्ति नकारात्मक को खींचती है, सकारात्मक शक्ति सकारात्मक को खींचती है। इसलिए धर्म करते रहो, सत्संग करते रहो, बस आत्मा को शुद्ध रखना। किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष, व्यर विरोध ये ना रखना, क्योंकि कईयों के मनों में बहुत गलत गलतफहमियां पड़ी होती हैं। पता नहीं यार ये क्या कर रहे हैं, ये कोई क्या हो रहा है। जिस चीज का नहीं पता आगे डिस्कस कर लो, वो विद्वान कोई साथ उससे डिस्कस कर लो, सच्चाई का पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। लेकिन किसी की निंदा जितनी कर ली, वो गुरु महाराज जाने, वो भूल जाएंगे सब कुछ। अगर शरण से उसकी शरण में आए हो, ध्यान से उसकी शरण में आए हो, और प्राचत के रूप में उसकी शरण में आए हो, तो वो भूल जाते हैं सब कुछ। वो शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, बोल शंकर भगवान की जय। विकुंठल कहने लगे कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते। जो सज्जन बोलते हैं उनके शब्द उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का स्वभाव होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, अब कृपा करके ये बतलाइए कि किसी प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है, जो नरक में गया विकुंठल का भाई। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी अपने 8 जन्म के पुण्य को उसके निमित्त अर्पण कर, अपना पुण्य उसके। देखो डेस्टी परिवर्तन हो जाती है, अपना पुण्य को किसी को दे सकता है। डेस्टी परिवर्तन ना होती तो गुरु लोग इतने लोगों का बेड़ा ही ना पार कर सकते। डेस्टी गुरु की इतनी पावरफुल होती है, वो अपने ही पुण्य से लोगों का कल्याण करता। तब विकुंठल ने कहा, हे दूत, मैं पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया पुण्य, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि ये वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूं। पूर्व समय में मधुवन में शालकी नाम का एक ऋषि था, वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, राशि, बुध, तारा, ज्योति मानते। इन 5ों ने गृहस्थ आश्रम धारण किया और निर्मोह चित्तवाए, ध्यान निष्ठ और गुणातक ये 4ों सन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जब कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते थे, और कोई कैसा कपड़ा दे देता था उसको भी पहन लेते थे। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन 4ों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सब जीत लिया था। बस चल अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये 4ों महात्मा तुम्हारे घर आए, ये पुरानी बात सुना रहे हैं,
तब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यास इनको आंगन में देखा, यानी कि मध्यम समाजो दोपहर का समा, तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके बड़ा आदर किया, इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुमने इनके कहने लगे इनसे कि आज मेरे अहो भाग्य, आज मेरा जन्म सफल हो, ऐसा तुमने बोला, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनात हूं, मेरे माता पिता पत्नी पुत्र गौ आदि सभी धन्य हैं, जो आज मेरे हरि के सदृश आपके दर्शन हुए। सो हे वैश, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तिष्क से लगा, फिर विधि पूर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया। इन सन्यासियों ने रात को सेवा की थी से पहला बहुत है, कोई पता नहीं कौन सा फोन संत तभी मिलते जब को पुण्य आपका आ गया, तब संत मिल जाते अपने आप और मन में हर्षित, मन में खुशी होती है कि मुझे आज संत मिले, खुशी होती है। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में समर्थ हूं, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है, प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्य आत्मा और पुण्य आत्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ। ऐसी संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट होंगे, केवल विद्वानों का संग करना, पुण्य आत्माओं का संग करना, संतों का संग करना, उनकी संगति से ही बड़े बड़े पापों का नाश होगा। यह पुण्य तुमने आठवें जन्म में किया, आठ जन्म पहले, सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो ये पुण्य दे दो। अब देखो सात जन्म तो उन्हें कोई पता ही नहीं चला, इसका मतलब सात जन्म बुरे कर्म करते रहे, राक्षस थे, अब को पुण्य की बात आई तो वो आठवा जुड़ गया, सात जो पुण्य था वो जुड़ गया। पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, चाहे सौ जन्म लग जाए वो जुड़ जाता है, इसी तरह पाप भी नष्ट नहीं होता, तभी कहते पाप ना कर। पाप को नष्ट करने के लिए फिर तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, उसका एक ही उपाय है प्राचिक, जैसे किसकी ड्यूटी लगा दी कि जाओ भाई सारी धरती की परिक्रमा कर, ये प्राचिक। लेकिन गुरु ने युक्ति बता दी, यहां पर ही वो सारा लिख के यहां पर ही अपने आप को लौटा के कह दो मैंने परिक्रमा कर। गुरु ही काट कर सकते हैं, गुरु आपके काम की, अपने आप में कोई संपूर्ण नहीं सिवाय गुरु के। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दिया और वह नरक से मुक्त हो गया। पुण्य देने से भी मुक्ति, हे प्रभु मैंने जो पुण्य किया है ये इसके, ये दुखी है इसके लिए इसको सुखी। हाँ, ऐसा पुण्य दिया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र कुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यात्रा से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता, कुंडल ने वे हजार गौदान का फल प्राप्त कर। बोल शंकर भगवान की। सुबह भगवान सबको जीवन दान दे। चौथा अध्याय पढ़िए। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय,
कृष्णाय नमो ओम कलि कृष्णाय नमः ओम कलि कृष्णाय नमो ओम कलि कृष्णाय नमः ओम कलि कृष्णाय नमो ओम कलि कृष्णाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। शंकर।